इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अगर तुम्हारी बहू मेरे पास आ जाए, तुम्हारा पूरा कर्जा माफ। वो हमारा सारा कर्जा माफ तो कर देंगे ना? हम अपने जबान से पीछे नहीं हटते। बचाना तो तुझे है बहू, हम लोगों के इस कर्जे से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। प्रवेश करो। दूधो नहाओ, तू तो भलो बहुत ही सुंदर बहू है मेरी, नजर ना लगे। चलो शाबाश, सबसे आशीर्वाद लो। फिर बलवंत चौधरी के यहाँ भी जाना है तुम दोनों को। बलवंत जी आ गए हैं दर्शन के लिए। चौधरी जी आप? अरे तुम्हारी बहू को देखने की लालसा खींच लाई मुझे। पूरे गांव भर में चर्चे हैं कि चांद सी बहू लाई हो तुम, तो फिर हमने सोचा कि भाई चलो हम भी देखें, ऐसी क्या खास बात है, कुछ गलत तो नहीं किया अगर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो अन्नदाता हैं, हमारे मुखिया हैं, आप ही की कृपा से तो हमारे चंदन का ब्याह हो पाया है। और मैं तो बोल ही रही थी कि चौधरी बलवंत जी के यहाँ पे जाना है आशीर्वाद लेने को तुम दोनों को। ला भाई गिफ्ट ला। उपहार है आपके लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बीवी के लिए। मुंह दिखाई। बहू ले ले, घूंघट थोड़ा ऊपर कर। अरे इनकी खूबसूरती के चर्चे नहीं, पर्चे बटने चाहिए। मेरा मतलब है कि बहुत खुश नसीब हो चंदन जी, तो इतनी सुंदर बीवी मिली है। उपहार? तो ठीक है हम चलते हैं। ऐसे कैसे चलते हैं? कुछ चाय नाश्ता? अरे नाश्ता वास्ता तो चलता ही रहेगा, अब तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। अच्छा चलते जी, राम राम। हाँ जी। चंदन बेटा, ये शक्ल पे जो उतावलेपन के बतासे फूट रहे हैं ना, उन्हें काबू में रख। जो मैंने कहा है ना वो पहले कर। माँ मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, कल कर दूंगा ना। हाँ बीवी आई नहीं और बस लगा अम्मा की बात टालने। माँ ऐसा नहीं है, मैं तो बस वो। हाँ तो जितना कहा है ना पहले उतना कर। मेरा लाडला जा, करना है सपन। दरवाजा बंद कर ले। सब लोग सही कह रहे थे,
तुम बहुत खूबसूरत हो। आप लोगों की बात बहुत मानते हैं। सबकी नहीं मगर माँ की बात जरूर मानता हूँ। और मुझे खुशी मिलेगी अगर तुम भी उनकी बात मानोगी तो। हाँ क्यों नहीं, वो भी तो मेरी माँ की तरह है ना। और वैसे भी एक माँ की अहमियत जिंदगी में मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था, पर तुम चिंता मत करो, माँ तुम्हें बहुत लाड देगी। क्या हुआ? वो माँ ने कहा था कि तुम अपने सारे गहने निकालकर उनके पास रखवा दो। वो कहना है कि यहाँ पे चोरी बहुत होती है ना, और उनके पास रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बस इतनी सी बात, गहने मेरे पास रहे या माँ जी के पास क्या फर्क पड़ता है। मैं अभी उतार कर दे देती हूँ। चंदन जी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसे मैं अपने पास ही रखना चाहती हूँ, तो इसे नहीं दूंगी। कोई बात नहीं, मैं ये माँ को लेकर आता हूँ। देखा माँ, तेरी कजरी को कितना अच्छा ससुराल मिला है, पति के रूप में चंदन जी और सास के रूप में एक माँ। एक अंगूठी कम है। बेटा तुम्हारी माँ की नजरों से कुछ नहीं बचता। अरे भगवान, अंगूठी कौन सी भागी जा रही है, बाद में ले लेना। बाद में दिलवा दियो पहले। एक बात है, चंदन इतना बड़ा हो गया फिर भी तुमसे डरता है। तो डरना ही चाहिए, शादी के बाद चोरू के आने से चोरू का गुलाम बनते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगता। सोचा था इस बार फसल अच्छी होगी तो सब ठीक हो जाएगा, अलबन चौधरी से लिया हुआ पुराना कर्जा भी चुक जाएगा। फसल खराब हो गई और अलबन चौधरी से लिया हुआ कर्जा भी दुगना हो गया। वैसे इन जेवरों से कुछ भला हो सकता है हमारा? ए जी, इन जेवरों से अपनी नजर जरा दूर ही रखना, वरना तुम जानते हो मेरी नजरों से और मुझसे कोई बच नहीं सकता। हाँ, और जहां तक रही ये कर्ज चुकाने की बात, तो तुम देखना ये कजरी है ना तुम्हारी हमारी बहू, ये बाप से कैसे पैसा निकलवाती हो। बहू, ये अंगूठी नहीं दी तूने? ना, मुझे दे दे, मैं संभाल के रख दूंगी। बाबा माँ जी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं सालों से इसे पहनती आई हूँ, इसे रहने दीजिए ना। बहू, सालों पहले शादी नहीं हुई थी, अभी हो गई है, और फिर जिंदगी में बदलाव तो आते ही है ना।
दे दे अंगूठी अपनी माँ को, जब चाहिए होगी तो ले लेना। बाबूजी समझिए ना, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैंने आज तक नहीं निकाला इसे, और ये तो इतनी आसानी से निकलेगी भी नहीं। अरे कैसे नहीं निकलेगी, मैं निकालती हूँ। माँ जी, माँ जी ये क्या करिए आप, माँ जी। दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं? अरे कान खोल के सुन ले तू, मेरे घर में मेरे पति, मेरा बेटा मेरी बात टालते नहीं है, तू भी ऐसे ही करना, वरना देख तू अंजाम तो तेरे साथ में है ना। हाय हाय, क्यों निकाल है? अपने बाबूजी को फोन कर और पूछ उनसे कि वो मोटरसाइकिल के लिए 50,000 रुपए कभी दे रहे हैं। माँ 50,000 कहाँ से लाएंगी वो? दामाद के नाम पे तो लोग कोठियां कर देते हैं, और हमने तो सिर्फ मोटरसाइकिल मांगा है। लेकिन माँ जी इतने पैसे बाबूजी कहाँ से लाएंगे? शादी का सारा खर्चा भी तो उन्होंने अकेले किया, फिर वो सब ये कहाँ जता रही है तू? अरे एहसान तो हमने किया है, जो बिन माँ की बच्ची को अपने बेटे को ब्याह के ले आए, ना कुछ खाना बनाना आता है ना घर का काम करना आता है, अरे हमने हमने बड़ा दिल किया तुझे अपनी बहू बना के बात कर दिए। दो दिन के अंदर अपने बाप को बोल दियो मेरे हाथ पे 50,000 रुपए कर दे, नहीं तो पैदल जाएगी अपने बाप के घर में, समझ गई? चाय पियो। बहुत दर्द हो रहा है ना? अब क्यों पूछ रहे हैं? अब तो कुछ नहीं बोले। देखो तुम्हें भी उनके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, माँ को ना सुनने की आदत नहीं है, जाओ और जाके उनसे माफी मांग लो और बात को खत्म करो। माफी? किस बात की माफी चंदन जी, ऐसा क्या गलत कह दिया? माँ जी मुझे बोल रही है कि मैं मेरे बाबा से पैसे मांग, वो गलत नहीं है? रजनी बात सही और गलत की नहीं है, इस घर में वही होता है जो माँ चाहती है, और मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तुम मेरे माँ के गुस्से को नहीं जानती हो, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। राम राम समधन जी। है समधी जी, सब कुशल मंगल? अचानक कैसे आना हुआ? जी वो बिटिया ने कहा था पैसों की जरूरत है तो। आए, आए हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमें थोड़ी ना चाहिए थी जे मोटरसाइकिल, आपकी बिटिया के ठाट है उसी को दे दो जी। बिटिया कहीं नजर नहीं आ रही। हेलो, आ गई बाऊजी। आप जीते रहो बेटा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। एक जमाना था जब बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते थे,
और अब देखो अच्छा जमाना है। अच्छा याद दिला दिया आपने, चलता हूँ। राम राम। आ भी रहना। राम राम। हे मारन। अरे देखती रहेगी दिखाना। हर काम सिरो मोशन में ही करती है। बताओ अभी तक दाल नहीं लाई है? अरे अब दाल लाएगी कि नहीं, या पड़ोसी के घर से मंगवा के खाए? बहुत सुस्त है। अलका की बहू को देखो, हर काम फटाफट करती है। अब धोती है किसी बात की? लाई माँ जी, बस दाल गरम कर रही थी मैं। टाइम बहुत लगा दिया तू। नहीं माँ जी, माँ जी रोज जितना नमक डालती हूँ उतना ही डाला। माँ जी चक्र, अपने मुंह से चक्र और देख कितना नमक डाला तूने। जी अरे जाएगी कि नहीं? ढंग से खाना भी नसीब नहीं होता, बस सूखी सब्जी के साथ बस रोटी उड़ेलते रहो पेट के अंदर। अरे बाप से पैसे मांगे हैं तेरे तो तू ये बकवास खाना खिलाएगी हमें? पागल क्या देख रहे हो? शक्ल देखते ही पेट भर लोगे क्या? दाल में नमक तुमने डाला था ना? हाँ। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे उसके मन में हमारा डर होना बहुत जरूरी है, वरना कल को वो हम पे भारी पड़ सकती है। हाँ डर रहेगा तभी मजबूर होकर उसका बाप पैसे देगा। ओ ये पकोड़े बनाना बंद कर, मैं बना लूंगी। हा? नहीं माँ जी मैं बना लूंगी। ना ना मैं बना लेती हूँ पकोड़े, तू ऐसे कर तू ना अपने बाऊजी को फोन कर और उनसे बोल पैसों की जरूरत है, वो बलवान चौधरी को लौटाने। शक्ल क्या के देखती है मेरी, फोन कर। माँ जी बाबा ने अभी तो पैसे दिए थे, मैं वापस उनसे पैसे नहीं मांग सकती। नहीं मांग सकती? माँ जी फोन करेगी कि नहीं, वरना तेरी उंगलियों के पकोड़े बना के तुझी को खिलाऊं। तू ना लातों की भूत है, जो पढ़े ना ना तो तेरी बुद्धि काम नहीं करती है। अरे फोन कर। Thank you.
जयराम जी की सरकार। तेरे चेहरे पे लिखा है कि तू आज भी पैसा लेकर नहीं आया। सरकार मैं जानता हूँ आज मुझे पैसे लौटाने थे, लेकिन क्या करूँ सरकार, इंतजाम ही नहीं हुआ। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो। कितना मोहलत हो तुझे, हाँ क्या है तेरे पास गिरवी रखने के लिए? सरकार गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। घर में हीरा छुपा के रखा है और बोल रहा है कि कुछ नहीं है। सरकार समझा नहीं मैं। मैं तुम्हारी बहू के बारे में बोल रहा हूँ। सरकार ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है भाई। कब लौटाएगा मेरा पैसा? सरकार 15 दिन में कुछ भी करके लौटा दूंगा। अगर नहीं लौटाया तो जो कहूंगा वो करेगा? जी सरकार, जो आप कहेंगे वही होगा। अच्छा जयराम जी की सरकार। चल तू निकल, तू भी निकल। 20 दिन चल, तेरा इंतजाम पूरा हो या ना हो, लेकिन मेरा इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया बेटा, मैंने बहुत कोशिश की। तेरी मौसी ने भी मना कर दिया और बैंक वालों ने लोन देने से भी मना कर दिया। पापा पैसों का इंतजाम हो गया है पापा, मैं सच कह रही हूँ, अब पैसों की कोई जरूरत नहीं। ठीक बेवकूफ समझा है तूने, मुझे बोलती है कि बाप पैसों का इंतजाम कर रहा है और उसे बोलती है कि पैसों की जरूरत नहीं है। माँ जी मैंने झूठ बोला, वो पापा से पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, वो रो रहे थे। बाप की वफादारी करती है बेशरम, खाते से सुराल वालों का है और वफादारी अपने मायके वालों से करती है। अरे आज तो तुझे मुक्ति दे दूंगी माँ जी। अरे दादी क्या कर रही हो? आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। चलो चलो, नहीं करोगे सब। क्या बोली वो अपने बाप से कि पैसों का इंतजाम हो गया है? और नहीं तो क्या, इसीलिए तो खून खोला मेरा। कार कहीं की आज तो मैं इसे ठिकाने लगा के रहूंगी। अरे रुको, अपने गुस्से पे काबू रखो। इस समय बलवंत ने जो मोहलत दी है उसमें पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए ये सोचना है। रही बात कजरी की, तो वक्त आने पे उसका हिसाब कर देंगे। बलवंत है और कितने दिन की मोहलत दी है? 15 दिन की। 15 दिन में कैसे भी करके हमें उसके पैसे लौटाने हैं, वरना भगवान ही जाने क्या करेगा वो हमारा। अरे बात तो सुनिए, भीम सिंह ने भी मना कर दी, सारे रिश्तेदार यार दोस्त सबसे पूछ कर देख लिया, कोई पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या होगा। वही होगा जो मंजूर बलवंत होगा।
जयराम जी की सरकार। जयराम जी की। बैठो बैठो। मेरे समझ में नहीं आता कि दूसरों के सामने में भीख मांगने की जरूरत क्या है, जबकि समस्या का समाधान तुम्हारे पास ही है, इसी घर में। हम कुछ समझे नहीं। तुम अपने नजरिए से सोचते हो। मेरे नजरिए से सोचो जरा। देखो, अगर तुम्हारी बहू मेरे पास आ जाए तो तुम्हारा पूरा कर्जा माफ। सरकार, ये क्या कह रहे हैं हम? वो बहू है हमारे घर की। घर ही नहीं रहेगा तो? अरे, मेरे पैसे लौटाने के लिए तुम्हें घर तो बेचना ही पड़ेगा ना। फिर तुम्हारी घर की बहू, तुम्हारा बेटा, तुम दोनों सड़क पर। इसमें मेरा कुछ नहीं आता, तुम्हारा ही घाटा। सिर्फ एक रात, पूरा कर्जा माफ। 8 दिन है तुम्हारे पास, या तो पैसे ले आना या फिर तुम्हारी बहू। सोचो, दिमाग लगा। बलवंत चौधरी का पैसों का इंतजाम हुआ नहीं, और वो जो शर्त रख कर गया है वो हो नहीं सकता, इसलिए आज रात मैं घर छोड़कर भाग जाता हूं। कल सुबह वो आए तो बोल देना कि मुझे कुछ नहीं पता, कहां गए हो। ऐसे कैसे? जब वो ढूंढ लेगा ना तुम्हें, तुम्हें बकरे की तरह हलाल कर देगा। तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं मैं। क्या बात कर रही है, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ऐसी तरकीब निकालूंगी सांप भी मर जाएगा। जयराम जी की सरकार। हाँ? खाली हाथ आयो? हमारी शर्तें याद है कि नहीं? नहीं नहीं, याद है, सब याद है जी। वो क्या है ना कि हमने आपस में विचार किया, जाओ ना, सर पे क्यों खड़े हो? पैसे नहीं हमारे पास, और हमारी बहू गजरी आपके पास आएगी, लोगों की गंदी नजर पड़ेगी तो बदनामी होगी ना। तो फिर सड़क पर आ जाओगे तो लोग तुम्हें अपने घर में भी नहीं लेंगे। इसीलिए चौधरी साहब, वो हम आपको अपने घर में बुलाने के लिए आए। वो क्या है ना, शादियों का मौसम है, हमारा बेटा चंदन 2 दिन के बाद अपने दोस्त की शादी के लिए जा रहे हैं, और साथ वाला पड़ोसी भी नहीं है, तो हम क्या सोच रहे थे कि अगर कजरी के आपके पास आने की बजाय आप अगर आ जाए हमारे घर में तो लोगों की नजर से भी बच जाएंगे और बदनामी भी नहीं होगी हमारी। तुम तो अपने पति से भी ज्यादा समझदार हो। वो हमारा सारा कर्जा माफ तो कर देंगे ना। चौधरी अपने जबान से कभी नहीं पलटता। जयराम जी सरकार, चलो
हम इंतजार कर शुरू। सच में जाना जरूरी है क्या? मत जाइए ना। कजरी कितनी बार पूछोगी, तुम्हें पता ना राकेश मेरा कितना अच्छा दोस्त है। क्या हुआ? वो मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे कुछ बुरा होने वाला है। आप चंदन जी आप मत जाइए ना, आप रुक जाइए, मुझे मुझे आपकी जरूरत। एक काम करो, तुम भी दो दिन के लिए अपने बाबा के वहाँ हुआ, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ ये भी ठीक है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जिंदगी जिस रफ्तार से दौड़ भाग कर रही है, उसी रफ्तार से घरेलू हिंसा के केसेस भी बढ़ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत में एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 से लेकर मई 2020 तक लगभग 1470 घरेलू हिंसा के केसेस दर्ज हुए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा है, क्योंकि लगभग 77% औरतें इसका जिक्र भी नहीं करती, कभी अपने माता पिता की खुशी के लिए तो कभी इस डर से कि कहीं पति ना छोड़ दे, वो यातनाएं सहती रहती है और इसी से जुर्म को बढ़ावा मिलता है। और यही कजरी के साथ भी हो रहा था। उसने इतनी यातनाएं सही थी कि अब अंदर से सहम चुकी थी कि अगले पल पता नहीं रत्ना उसके साथ क्या करेगी। पर क्या उसका ये डर सही साबित होगा? क्या रत्ना और बलवंत अपने घिनौने इरादों में कामयाब होंगे? आइए देखते हैं। कौन मार डालेगा? बलवान, हमने उसके पैसे नहीं दे पा रहे, वो हमें जान से मार देगा, हम दोनों मर जाते हैं, तो कम से कम वो मेरे बेटे चंदन और बहू को तो जिंदा छोड़ देता। माजी ये सब आप क्या बोल रही है? माजी कोई तो हल होगा ना, ना मुझे कोई तो तरीका होगा। आप लोग क्या तरीका? जो तरीका वो बता रहा है वो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसा क्या बोल दिया उसने? तुझे भी झटका लगा ना? अरे हम दोनों भी स्तब्ध रह गए थे। अरे कौन सा ससुर अपनी प्यारी सी बहू के बारे में ये सब सुन सकता है? तेरी ससुर जी तो उस पर बहुत गुस्सा किए, दिल मिला गया वो, अब वो हमें छोड़ेगा नहीं, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेगा वो माजी, हम इसका हल निकालें, कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे माजी। आप बस ये आत्महत्या का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मैं आप दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरी भाग्यवान, अब तो बता दे ये आत्महत्या का सोहन क्यों रचा? ये चंदन को कचरी से ये कहते सुना था। एक काम करो, तुम भी दो दिन के लिए अपने बाबा के वहाँ हो आओ, उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन अब हमारी ये हालत देख के ये हमारी बहुरिया जा नहीं पाए।
गया। तुम यहाँ कैसे आए? किसने आने दिया तुम्हें अंदर? घबरा क्यों रही हो? अपने गले को तकलीफ क्यों दे रही हो चिल्लाकर? अरे तुम्हारी आवाज इस घर के बाहर नहीं जाने वाली, और जो है इस घर में वो सुनेंगे नहीं, सुनकर भी है ना। अरे वक्त को बर्बाद किए बिना इस रात का फायदा उठाते हैं। आज जाना तो तुझे है बहू, हम लोगों के इस गड्ढे से। माजी ऐसा अदब मत कीजिए। माजी माजी मैं आपकी माफी मांगती हूँ। गोलियां ना, ऐसा मत करिए मेरे साथ। आपको तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं मेरे पिताजी के पास चली जाऊंगी। भेजना ही होता तो फांसी से लटकने का नाटक क्यों करती? माजी माजी ऐसा मत करिए। माजी आप जो कहेंगे मैं करूंगी, लेकिन यहाँ से मुझे बाहर आने दीजिए। माजी माजी दरवाजा खोलिए। अरे चलो माजी। कोई माजी नहीं सब। छोड़ दीजिए मुझे, मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हम आपके पैसे लौटा देंगे, लेकिन मुझे जाने दीजिए। चौधरी जी, अब तो सारा कर्जा माफ ना? हाँ हाँ सब माफ, लेकिन एक शर्त है। मेरा जब कभी भी मन करेगा ना, अपने बेटे को बाहर भेज दे और अपनी बहू को तैयार। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। रत्ना और त्रिलोक अपने स्वार्थ और लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि उनके अंदर की संवेदना तक मर चुकी थी, और बलवंत की बुरी नजर तो पहले ही कजरी पर थी। वो तो बस इसी फिराक में था कि कैसे कर्जा माफ करने के बदले रत्ना और त्रिलोक से कजरी का सौदा कर सके। ससुराल में सास को एक बहुमा का दर्जा देती है, तो फिर वही माँ अपनी बेटी के साथ इतना बुरा सुलूक कैसे कर सकती है? पर इस दुनिया का कड़वा सच यही है कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है, और रत्ना जैसी औरतें इसका जीता जागता उदाहरण है। पर अब देखना यह था कि कजरी के सब्र का बांध टूटता है या नहीं। ये कजरी की खूबसूरती किसी काम तो है। अरे कर्जे माँ, वो तो अच्छा है, पर आज चंदन आएगा तो उससे क्या कहेंगे? उससे क्या कहना, तुम्हें लगता है वो मुझसे कुछ पूछेगा? सवाल ही नहीं उठता, जू तो उसकी निकलती ना मेरे सामने। हाँ, इतना सब होने के बाद उस कजरी की किसी से नजर मिलाने की हिम्मत होगी नहीं। पड़ेंगे तेरे तो। हेलो, तुझे तो मैं बताती हूँ। बेटा तू खुद को दोष मत दे, दोषी तो वो है। मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ, छोड़ूंगा नहीं उसे। माँ, वो कजरी का है,
मेरा फोन भी नहीं उठा रही है और घर में भी नहीं दिख रही है। आप दोनों चुप क्यों है? कुछ बोलते क्यों नहीं? बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। माँ माँ आप झूठ बोल रही है ना, ऐसा नहीं हो सकता। बोलो माँ, माँ ये झूठ है ना सब। देख बेटा चंदन, मुझे पता है ये सब स्वीकारना तेरे लिए बड़ा मुश्किल है, पर बेटा ये सब हमने अपने लिए नहीं किया, अरे तेरे लिए किया है, वरना वो नीच बलवंत चौधरी तुझे मार डालता। और पूरा ना मानना इस पे कसूर कचरी का भी है। अरे वही तो गई थी सच सवर के, वो बलवंत चौधरी के घर पे, अब पड़ गई उसकी पूरी नजर हमारी बहू पे। उसने तो हमारी मजबूरी का फायदा उठा लिया बेटा। मजबूरी? आप ऐसी बातें बोल भी कैसे सकती है माँ? जरूर आप दोनों ने उसे भेजा होगा, इसमें कचरी की कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारी आप दोनों के किए की सजा भुगत रही है। चुप! मेरे सामने झुटटिया की बात मत कर। अरे ज्यादा ही हमदर्दी हो रही है ना, जा चला जा अपनी जोनू के पास। चलो जी, इसके तो मुंह लगने ही बेकार है। रिपोर्ट तो लिख ली इंस्पेक्टर ने, पर एक ही बात की चिंता है कि गवाही देगा तुम कौन तेरे लिए। गवाही के बिना तो हमारा केस ढीला पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? इसीलिए शादी की थी मेरी बेटी से कि तुम लोग अपना कर्जा उतारने के लिए मेरी बेटी का सौदा करो। बाबा रहने दीजिए, इन्हें तो शादी का मतलब भी नहीं पता, इनसे क्या क्या उम्मीद की जाए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं गलत था। माँ की हर एक गलत हरकत को मैं नजरअंदाज करता रहा, मेरी गलतियों की तो माफी भी नहीं मिल सकती। लेकिन पश्चाताप का एक मौका दे दो मुझे। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया, लेकिन इंसाफ की इस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। क्या करोगे तुम? अपने माँ बाप और उस बलवंत के खिलाफ दोगे गवाही? हाँ दूंगा गवाही। चंदन जी हमार पैसा नहीं दिए ना तो उल्टा के मारब तो के। रुकिए, आप लोग अंदर कैसे आ गए? अरे इंस्पेक्टर साहिबा आइए बैठिए, बैठ के बात करते हैं। क्या बात है? मैं बैठ के नहीं उल्टा लटका के बात करती हूँ। अरे हुआ क्या है भाई? बेटा मैंने कुछ नहीं किया, अरे मैंने तो ले जाओ। कजरी जैसी कई औरतें जो एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की ख्वाहिश लेकर अपने ससुराल के लिए विदा होती है, पर अत्याचार और बदसलूकी के चलते वो इतना टूट जाती है कि कुछ की कहानी अधूरी रह जाती है, तो कुछ हिम्मत के साथ अपनी कहानी को एक नया मोड़ देती है। कजरी ने भी वही किया, पर इसका पूरा श्रेय उसके पिता को जाता है, जिसने समाज की परवाह ना करते हुए अपनी बेटी का दर्द उसके आंसू देखे और उसे इंसाफ दिलाने के लिए लड़ा, और साथ ही चंदन जिसने देर से ही सही पर सच का रास्ता अपनाया और अपने माता पिता के खिलाफ गवाही दी,
और कजरी को इंसाफ दिलवाया। कजरी की कहानी से सिर्फ एक लड़की को नहीं बल्कि उसके माता पिता और खासकर एक पति को सीखना चाहिए कि घरेलू हिंसा और मानसिक यातना को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तभी औरतों के प्रति हो रहे अत्याचार को रोका जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में मैं सुधा चंद्रन एक बार फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।